नमस्कार, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। आज हम लोग जो फ्लैट देखने वाले हैं, ये हमारा 4 BHK का फ्लैट है जो बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन बनाया गया है मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे। और हम लोग आज आपको छत पे भी लिए चलेंगे और वहाँ से दिखाएंगे सामने मेट्रो स्टेशन। वेल कनेक्टिविटी के साथ ये 4 BHK फ्लैट मिलता है जिसका यूजेबल एरिया तकरीबन 125 गज मिल जाता है। ये जो हमारा फ्लैट है, रजिस्ट्री वाले हैं, आप इस पे लोन ले सकते हैं। जहाँ पे ये फ्लैट सिचुएटेड है, वो जो लोकेशन है हमारा सैनिक नगर है, जो उत्तम नगर न्यू दिल्ली में आता है। बहुत ही अच्छे सराउंडिंग्स के साथ ये फ्लैट आपको मिल जाता है। इनफैक्ट जो मेट्रो स्टेशन 100 मीटर की दूरी पे है यहाँ से, वहाँ से आप डायरेक्ट नोएडा की तरफ का मेट्रो ले सकते हैं। द्वारका जो बहुत ही अच्छे सब सिटी में आता है, वो सिर्फ आधी किलोमीटर की दूरी पे स्टार्ट हो जाता है। इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और एक फ्लैट में जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो इसमें लगाई गई है। या फ्लैट में जो सुविधाएं चाहिए, लाइक बिजली का कनेक्शन है या पानी का कनेक्शन है, सामने जो सीवर होनी चाहिए, या गैस कनेक्शन अगर आप चाहते हैं तो गैस पाइपलाइन ऑलरेडी यहाँ बिछा दी गई है, आप चाहें तो गैस कनेक्शन भी ले सकते हैं। तो सारी सुविधाओं के साथ ये 4 BHK फ्लैट आज हम लोग देखने वाले हैं। लिफ्ट से हम लोग आ चुके हैं अपने फ्लैट की तरफ जो 4 BHK का है। एक फ्लोर पे दो फ्लैट बनाए गए हैं, एक 3 BHK का फ्लैट है, एक हमारा 4 BHK का फ्लैट है। जो 3 BHK के फ्लैट हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी हम लोग ने अपलोड कर दी है। आज हम लोग देखेंगे अपना 4 BHK फ्लैट। स्टेयर्स में भी आपने देखा होगा कि हम लोग ने फुट लाइट भी लगाई है। जैसे ही हम लोग एंट्री लेते हैं तो एक बड़ा सा ह्यूज एंड स्पेसियस आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग के साथ। मैं बारी बारी से डिस्क्रिप्शन दूंगा, बट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस फ्लैट का ओवरव्यू। जहाँ पे हम खड़े हैं ये हमारा ड्राइंग रूम है। उसके बाद फर्स्ट बेडरूम यहाँ आपको मिलता है, इसमें हम लोग ने वार्डरोब दिया है। कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ मिल जाता है। कॉमन वॉशरूम से बता दूँ, ये 4 BHK का फ्लैट है जिसमें हम लोग ने 3 वॉशरूम दिए हैं। उसके बाद यहाँ हमारा सेकेंड बेडरूम मिलता है, इसके साथ आपको टीवी पैनल मिल जाते हैं और अटैच वॉशरूम मिल जाता है। किचन बहुत ही खूबसूरत और आउटस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, इस तरह का किचन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। एक तो काफ़ी स्पेसियस है और दूसरा वेंटिलेटेड है। सामने जो विंडो दी गई है उसके ठीक सामने आपको बैल्कनी मिल जाती है। थर्ड बेडरूम हमारा यहाँ है, इसके साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, टीवी पैनल मिलते हैं और बैल्कनी की एंट्री मिलती है। और मास्टर बेडरूम हम लोग ने यहाँ दिया है जिसमें बड़ा सा आपको वार्डरोब मिल जाता है। ओवरऑल ये जो हमारा फ्लैट है इसमें 3 वॉशरूम के साथ 4 टीवी पैनल दिए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने ऐसा फ्लैट नहीं देखा होगा, बट हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि उत्तम नगर में इस तरह की जो फ्लैट जो 4 BHK है जिसमें इस तरह की फॉल सीलिंग बनाई गई है, पहली बार ही देखेंगे हम लोग। ये जो अपना 4 BHK का फ्लैट है, 4 बेडरूम के साथ एक स्पेसियस एंड ह्यूज आपको ड्राइंग रूम मिलता है, बहुत ही खूबसूरत मॉडलर किचन आपको मिलता है, वेंटिलेटेड, 4 आपको टीवी पैनल मिल जाते हैं, 3 वॉशरूम मिलता है, 2 वार्डरोब मिलते हैं, 1 स्टडी टेबल मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग ने ऐसा फ्लैट नहीं देखा होगा, लेकिन जिस तरह का फ्लैट हम लोग देखने वाले हैं और जिस प्राइस रेंज में इस तरह का फ्लैट, इस तरह की फॉल सीलिंग के साथ, इस तरह के इंटीरियर के साथ, पहली बार हम लोग उत्तम नगर में देखेंगे।
आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने किचन की। किचन एक ऐसा जगह जो कुकिंग का फेवरेट प्लेस होता है, जो किचन का शौक रखते हैं, जो कुकिंग करते हैं, उनके लिए किचन का स्पेसियस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्टोरेज काफ़ी होनी चाहिए, और उससे भी जो बड़ी बात होती है वो होता है उसका वेंटिलेशन। और इन सारी बातों को लेके ये जो किचन है उस सब बातों पे एकदम खड़ा उतरता है। परफेक्ट किचन आप इसको कह सकते हैं, यू टाइप में बनाया गया है, काफ़ी स्पेस, वेंटिलेशन, सब चीज़ इसमें आपको बहुत आराम से मिलेगी। और इनफैक्ट 4 से 5 लोग भी आप इसमें खड़े हो जाएंगे तो सफोकेशन बिल्कुल नहीं होने वाली। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ हम लोग ने पैंट्री दी है, बहुत अच्छा स्टोरेज इसमें आपको मिल जाता है, वो पहले हम लोग देखेंगे, फिर बारी बारी से सारा किचन देखेंगे। इस 4 BHK के फ्लैट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो बताने के लिए है, बट इस फ्लैट का जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो लगा इसका किचन। अभी हम लोग ने पैंट्री देखी है, यहाँ पे हम लोग ने सिंक दिया है, जो टैप लगने हैं, चाहे वो हॉट वाटर का हो, कोल्ड वाटर का हो, या जल बोर्ड का हो, वो सारे टैप अभी यहाँ लगने हैं। यहाँ आरो या गीज़र आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ भी स्पेस मिल जाता है, ये सारे स्पेस आपको स्टोरेज के लिए मिलते हैं। यहाँ हम लोग ने जो चैनल यूज़ किया है वो हाइड्रोलिक है, काफ़ी स्पेसियस किचन। ये सारे आपको कैबिनेट्स यहाँ मिल रहे हैं, एक बार ऐसी आपको पूरा दिखाएंगे भी। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगा के देंगे, हालांकि यहाँ विंडो है, सामने बैल्कनी की ओपनिंग है, तो वेंटिलेटेड किचन है। उसके बाद भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चिमनी इसमें लगाएंगे, ये सारे स्पेस आपको मिल जाते हैं। चाहे मैं इस किचन में बॉटल रैक की बात करूं या कटलरी वेयर के लिए करूं, सारे कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं इसमें। आप देखिए इतने सारे आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं, अगर एक एक डिस्क्रिप्शन दूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। यहाँ पे बड़े कंटेनर के लिए भी आपको स्पेस मिल जाता है, किचन में जनरली हमारे पास बड़े कंटेनर होते हैं, और यहाँ बड़े बड़े कैबिनेट्स दिए गए हैं स्टोरेज के लिए। यहाँ भी आपको स्पेस मिलता है, यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ भी आपको कॉर्नर मिलता है, फिर ये स्पेस मिलता है, बहुत सारे जगह इसमें आपको मिल जाती है। तो ये आपका किचन है, आशीष एक बार दिखाइए एक बार पूरा किचन आप। और ऊपर हम लोग ने लाइट्स भी लगा दी है, फॉल सीलिंग की डिज़ाइन बना दिया है। जो सानवी स्टेट की फैमिली है, जो हमारे व्यूअर हैं, जो 1.5 लाख से ऊपर लोग हैं, 1,50,000 से ज़्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं, उन सबको ये पता ही होगा कि हम लोग सानवी स्टेट, जो आपका चैनल है, वाइड लेंस कैमरा यूज़ नहीं करते हैं। जो भी साइज़ आपको दिखेगा वो एक्चुअल साइज़ दिखेगा। अगर आपको इसका लेआउट चाहिए तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजिए, आपको लेआउट भेज दिया जाएगा। ये पूरा जो स्पेस है वो फ्रिज के लिए अलग से दिया गया है। यहाँ से चलेंगे और हम लोग देखेंगे अपना जो फर्स्ट बेडरूम है वो। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, इसमें जो फ्लोरिंग है वो वेट्रीफाइड टाइल्स की आपको मिल जाती है, और थोड़ा नज़दीक करके दिखाएं, ये स्टडी टेबल हम लोग ने दिया है इसमें। इस स्पेस का बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया है, ये दोनों आपको यहाँ कैबिनेट्स मिल जा रहे हैं, और यहाँ भी आपको स्टोरेज मिल जा रहा है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो दी गई है, और वार्डरोब ये पूरा आपको मिल जाता है। अगर इसे मैं ओपन करके आपको दिखाऊं तो इस तरह के स्पेस आपको मिलते हैं, और यहाँ भी ये पूरा स्पेस आपको मिल रहा है, अंदर में ड्रॉअर भी आपको मिल जाते हैं, और नीचे भी स्पेस मिल रहा है। जो टीवी पैनल है वो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पे बना के दिया है, ये सारे स्लॉट्स बनाए गए हैं, कुछ डेकोरेशन के लिए आप रख सकते हैं। नीचे भी आपको ड्रॉअर मिल जा रहे हैं, ये सारे आपको ड्रॉअर मिलते हैं। जो केबल की वायरिंग है वो ऑलरेडी हम लोग ने करके दी है, यहाँ मॉड्यूलर स्विच लगाए गए हैं, और जो ब्रांड है वो कोना यूज़ किया गया है। और इसके साथ एक चीज़ आशीष, स्प्लिट एसी की जो वायरिंग करके हम लोग दे रहे हैं वो ये रहा।
और ये जो हमारा बेडरूम है इसको खूबसूरत बनाने के लिए फॉल सीलिंग की एक बेहतरीन डिजाइन वो अभी आशीष आपको दिखाएंगे। एक बार आशीष दिखाइए। बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर हम लोग ने यहाँ पे यूज किया गया है 3D लुक में। यहाँ से चलते हैं और देखते हैं अपना ड्राइंग कम डाइनिंग रूम जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये दिखाने से पहले मैं एक चीज नोटिस करवाना चाहूंगा कि अगर आपके गेस्ट यहाँ बैठे हैं तो जो किचन आपको मिलता है एकदम सेपरेट मिलता है। किचन एंड ड्राइंग रूम को सेपरेट रखा गया है। बहुत लोग का ये कहना होता है कि किचन से जो ड्राइंग है वो दोनों अलग होने चाहिए, वो चीज़ आपको इसमें बखूबी मिलती है। बात करेंगे सबसे पहले अपने वेटिफाई टाइल्स की। ये देखिए फ्लोरिंग, आप लोग इतना क्लीन, ऊपर जो कॉब लाइट्स लगाई गई है, जो LED लाइट्स लगाई गई है उसका रिफ्लेक्शन भी आप नीचे देख पा रहे होंगे। और जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग वाइड लेंस कैमरा यूज़ नहीं करते हैं, जो भी साइज़ आपको दिख रही होगी वो एक्चुअल साइज़ है। आप चाहें तो अपना नंबर भेजें, लेआउट आपको भेज दिया जाएगा। यह हम लोग ने इस तरह का वॉलपेपर यूज़ किया है। स्पेस कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो आपको बताता हूँ। अगर आप L टाइप में सोफ़ा लगाते हैं यहाँ पे बीच में आपका कॉफ़ी टेबल आ जाएगा, तो ये देखिए इस तरफ का जो पूरा स्पेस है ये आप डाइनिंग टेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस तरफ आपका किचन है। वॉलपेपर इस तरह के लगाए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है इस ड्राइंग रूम को। और जब हमारी सिटिंग यहाँ पे है तो इस तरफ आपको इंटरटेनमेंट के लिए जो हम लोग TV लगाते हैं, LED, LCD जो भी आप यूज़ करते हैं, काफ़ी डिस्टेंस वहाँ से यहाँ तक का आपके आईज पे भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। ये आपको बड़ा सा आपको TV पैनल मिलता है और देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है नीचे। ये वाले ड्रॉअर भी इसमें आपको 4 मिलते हैं। एक बार इसका आप जो हैंडल है वो दिखाइए आशीष, थोड़ा क्लोज करके, और ये डिज़ाइन दिखाइए। और अब हम देखेंगे इसमें जो फॉल सीलिंग की डिज़ाइन दी गई है वो बहुत ही खूबसूरत, कमाल का, आउटस्टैंडिंग आप कह सकते हैं। इस तरह का फॉल सीलिंग पहली बार हम लोग उत्तम नगर में यूज़ किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉमन वॉशरूम। यहाँ हम लोग ने कॉमन वॉशरूम बनाया गया है। हालांकि इस फ्लैट में आपको 3 वॉशरूम मिलते हैं, 2 अटैच है, 1 कॉमन है। ये कॉमन हमारा वॉशरूम है, ड्राइंग के साथ भी यूज हो सकता है और साथ में जो बेडरूम है उसके साथ भी यूज हो सकता है। फ्लोरिंग हम लोग ने एंटी स्किड टाइल्स की दी है। अभी इसमें जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो होनी है, चाहे वो गीज़र के पॉइंट्स हो या सावर लगना हो या इसमें सीट लगनी हो। ये फ्लश टैंक जो है वो वॉल माउंटेड हम लोग बना रहे हैं और पूरे वॉल में टाइल्स यूज़ की गई है ताकि जो दीवार की लाइफ है वो लंबी रहे। जब हम बाथरूम में नहाते हैं पानी के छींटे उड़ते हैं उससे जो नॉर्मल वॉल होती है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है कंपेरेटिवली। अगर टाइल्स लगा हुआ है तो दीवार की जो लाइफ है वो लंबी हो जाती है। ऊपर भी हम लोग ने इस तरह से लाइट्स दिए हैं। अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, 1 लाइट अभी इसमें लगनी है। यहां से चलेंगे और देखेंगे अपना सेकेंड बेडरूम। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। यहां वार्डरोब मिल जाता है। वार्डरोब इसमें एक चीज अगर आप फिर से ध्यान दें तो रूम का स्पेस जो ये वार्डरोब है वो ख़राब नहीं कर रहा है, वो दीवार के अंदर ही बनाया गया है। इस तरह का आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। एक ड्रॉअर भी इसमें हम लोग ने बना के दिया है। ये ड्रॉअर यहाँ पे मिलते हैं आपको। और स्प्लिट AC की वायरिंग हम लोग करके दे रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ विंडो मिल जाती है। और यहाँ हम लोग ने वॉलपेपर यूज़ किया गया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस बेडरूम के हिसाब से। और ऊपर अगेन एक बेहतरीन
जो फॉल्स सीलिंग की डिज़ाइन है वो वार्म कॉब लाइट हम लोग ने यूज़ की है और एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। चलिए देखते हैं अपना थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में टीवी पैनल हम लोग ने दिया है, अटैच वॉशरूम मिलते हैं और इस बेडरूम से आपको जो बैल्कनी है उसकी एंट्री मिलती है। बात करेंगे सबसे पहले इस बेडरूम के फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग इसमें जो दी गई है वेट्रीफाइड टाइल्स की है, बट इसका जो डिज़ाइन है वो ड्राइंग रूम से अलग रखा गया है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा वॉलपेपर दिया गया है और यहाँ से आपको बैल्कनी की एंट्री मिलती है। बैल्कनी में भी जो रेलिंग है वो स्टेनलेस स्टील की यूज़ की गई है और उसके बीच में टफन ग्लास यूज़ किया गया है, वो अभी आपको आशीष दिखाएंगे। बट वो दिखाने से पहले मैं दिखाता हूँ ये टीवी पैनल यहाँ दिया गया है। आशीष थोड़ा क्लोज करें, ये डिज़ाइन दिखाएँ। ये जो हम लोग 4 BHK का फ्लैट देख रहे हैं, इसमें चाहे केबल की वायरिंग हो, चाहे इन्वर्टर की वायरिंग हो, चाहे एसी की वायरिंग हो, वो सब चीज़ हम लोग करके दे रहे हैं। इसमें इनफैक्ट ड्रॉअर भी आपको मिल जाते हैं, यहाँ भी ड्रॉअर मिलता है और एक ड्रॉअर यहाँ भी मिलता है। ये सारे स्लॉट्स बना के दिए गए हैं। यहाँ स्टोरेज के लिए स्पेस दिया गया है कि आप कुछ भी लाइक हमारा जो डिश टीवी का बॉक्स होता है, जो सेटअप बॉक्स होता है, वो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। और इसी के साथ आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। अभी सैनिटरी फिटिंग जितनी भी है वो अभी होनी है। इसमें हम लोग वुडन लुक में एंटी स्किड टाइल्स यूज की है। इसमें जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो अभी लगनी है, चाहे शावर की बात करूं, टैप की बात करूं, वो सारी चीजें अभी इसमें लगनी है। वेंटिलेशन के लिए हम लोग यहां स्पेस दिए हैं। जो कॉमन वॉशरूम है उसमें भी वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया गया है। आशीष एक बार आप यहाँ से बैल्कनी दिखाइए। बैल्कनी का भी स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। इसमें आपको वेट एरिया भी मिलता है। मैं दिखाऊं, इस तरफ हम लोग ने वेट एरिया निकाला है, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। ये स्विच लगाए गए हैं। यहाँ जो विंडो है ये आपका जो फोर्थ बेडरूम है उसकी विंडो यहाँ से निकाली गई है। टफन ग्लास यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और आसपास की अगर सराउंडिंग्स दिखाऊं तो इस तरह का सराउंडिंग्स आपको मिलता है। इस बेडरूम के लुक को इन्हांस करने के लिए हम लोग ने ऊपर फॉल सीलिंग की डिज़ाइन बनाई है, उसमें हम लोग ने कॉब लाइट्स यूज किया है। एक बार देखिए, और फाइनली हम लोग देखते हैं अपना चौथा बेडरूम। जो किचन है और दो बेडरूम है वो तीनों आपको फ्रंट में मिलते हैं, बैल्कनी की तरफ तीनों ओपन होते हैं। ये हमारा फोर्थ बेडरूम है। इसमें जो फ्लोरिंग है वो वेट्रीफाइड टाइल्स की गई है। इसके साथ हम लोग ने अटैच वॉशरूम दिया है। बड़ा सा आपको टीवी पैनल यहाँ मिल जाता है। ये पूरा टीवी पैनल मिलता है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट ये सारे स्पेस आपको मिल रहे हैं। यहाँ सारा स्टोरेज के लिए जगह दिया गया है, आप कुछ भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपका टीवी आ जाएगा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो दी गई है, ऊपर विंडो एसी आप लगा सकते हैं। और इसके साथ आपको यहाँ अटैच वॉशरूम मिल जाता है। इसमें वेंटिलेशन का भी स्पेस मिलता है और जितने भी सैनिटरी फिटिंग है वो अभी लगनी है। फ्लोरिंग एंटी स्किड टाइल्स की आपको मिलती है। अब पूरे वॉल में इसमें जो टाइलिंग का काम है वो किया गया है ताकि जो दीवार की लाइफ है वो लंबी रहे।
इस बेडरूम के लुक को या मास्टर बेडरूम आप कह सकते हैं, उस लुक को इन्हांस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत फॉल्स सीलिंग की डिज़ाइन बनाई गई है, जिसमें हम लोग ने वार्म कॉब लाइट यूज़ किया है और LED लाइट्स यूज़ की है। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग छत पे, वहाँ से देखेंगे मेट्रो स्टेशन जो सामने ही दिखाई दे रहा है, छत भी आप लोग को दिखाएंगे और फिर हम लोग नीचे आएंगे। ये हमारा छत है। वो सामने जो आपको ग्रीन कलर की पट्टी दिख रही है, वही हमारा मेट्रो स्टेशन है। आसपास के सराउंडिंग्स की बात करूं तो इस तरह के बिल्डिंग्स आसपास में बने हुए हैं। अभी हम लोग ने 4 BHK की पूरी डिटेल वीडियो देखी है। छत पे भी हम लोग गए थे, वहां से जो मेट्रो स्टेशन है वो 100 मीटर की दूरी पे है, वो भी आपने देखा। इस फ्लैट को अगर आप देखने आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो नीचे कस्टमर केयर का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पे फ़ोन करें, अपने विजिट का टाइम दें, हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आपको फ्लैट दिखाएंगे। और कुछ और भी अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस फ्लैट के रिगार्डिंग, तो जो हमारी वेबसाइट है sanvistate.com, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं या आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं सोशल साइट पर, चाहे वो ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, पिंटरेस्ट हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं भी आपको सानवी एस्टेट मिल जाएगा। और एक चीज़ और भी बताऊं कि हमारे चैनल पे तकरीबन 350 से ऊपर वीडियो हम लोग ने अपलोड कर दिए हैं, उसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK सारे तरह के आपको फ्लैट मिल जाएंगे। इनफैक्ट जड़ का जो मकान होता है, जड़ से मकान होता है, अपना घर होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। लोन के लिए क्या क्या पेपर चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है आपकी, स्टाम्प पेपर कैसे खरीदते हैं, सारी तरह के वीडियो का कलेक्शन हम लोग ने, जो आपका चैनल है, जो हम सब का चैनल है सानवी एस्टेट, उस पर हम लोग ने अपलोड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, दीजिए मुझे इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और ऑफकोर्स आप ही सानवी एस्टेट है और आप ही से सानवी एस्टेट है।